नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अनिल कश्यप। दोस्तों, अगर आप एक महिला हैं और आपको इस प्रकार की समस्या हो गई है, आपको अनवांटेड हेयर की शिकायत हो गई है, तो आपको हिर्सुटिज्म नाम की बीमारी हो गई है, इसको ठीक करने के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन हम आपके लिए लेकर आए हैं जिनकी सहायता से आप इसको परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिर्सुटिज्म के बारे में, जानेंगे इस वीडियो में इसके होने के पीछे क्या कारण होते हैं और होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाओं के द्वारा आप इसको पूरी तरीके से ठीक कर सकते हो। दोस्तों, जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूंगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुंचे अब तक सबसे पहले। वही दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हिर्सुटिज्म किसे कहते हैं। दोस्तों, महिलाओं में जब अनवांटेड हेयर की शिकायत हो जाती है, अनैच्छिक रूप से महिलाओं के शरीर पर बाल आने लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हिर्सुटिज्म कहा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं इसके कॉजेज के बारे में, हिर्सुटिज्म या अनवांटेड हेयर होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो प्रमुख कारण है, जैसे पीसीओडी की अगर किसी महिला में समस्या हो जाए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की अगर किसी महिला में या किसी गर्ल्स में अगर इस प्रकार की समस्या हो जाए, पीसीओडी की अगर किसी महिला या गर्ल्स में समस्या हो जाए, तो उनमें अनवांटेड हेयर की शिकायत देखने को मिल सकती है या हिर्सुटिज्म की समस्या उनमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों, जो इसका अगला कारण होता है, कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया एक कंडीशन होती है, उसमें ऐसा हो सकता है, या जो पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन होता है जैसे एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, कुछ मात्रा में महिलाओं में भी पाए जाते हैं। अगर महिलाओं में इनकी मात्रा बढ़ जाए एंड्रोजन हार्मोन की या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की, तो उसके वजह से भी महिलाओं में हिर्सुटिज्म या अनवांटेड हेयर की समस्या देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इसका अगला कारण होता है कुशन सिंड्रोम, उसकी वजह से महिलाओं में इस प्रकार की समस्या हो सकती है, या किसी को ओबेसिटी की समस्या हो गई, जो महिलाएं अगर उनका वजन बढ़ गया है, वह बहुत ज़्यादा मोटी हैं, तो उन महिलाओं में भी बहुत ज़्यादा चांस है अनवांटेड हेयर होने के या हिर्सुटिज्म की समस्या होने के। तो दोस्तों, कुछ कारण थे जिनके वजह से महिलाओं में हिर्सुटिज्म या अनवांटेड हेयर की समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों, बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, हिर्सुटिज्म के केस में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सबसे कॉमन सिम्टम्स है, अनवांटेड हेयर हो जाते हैं महिलाओं में, जो बाल हैं महिलाओं में चेहरे पर आ जाते हैं, ठुड्डी पर आ जाते हैं, चीक्स पर आ जाते हैं, नेक या गर्दन पर आ जाते हैं, चेस्ट पर आ जाते हैं, सीने पर आ जाते हैं, महिलाओं में बैक या कमर पर आ जाते हैं, शोल्डर कंधों पर आ जाते हैं, थाइस पर आ जाते हैं, एब्डोमेन पर आ जाते हैं। तो एक इमेज लगा देता हूँ, आप इसमें देख सकते हैं महिलाओं में कहाँ कहाँ इस प्रकार की समस्या देखने को मिल सकती है। दोस्तों, बात करते हैं इसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन की सहायता से आप इसको पूरी तरीके से ठीक कर सकती हैं। तो दोस्तों, जो पहली मेडिसिन है ओलियम जैक 3X, दोस्तों अनवांटेड हेयर की बहुत ज़्यादा अच्छी और इफेक्टिव दवा है। अगर किसी महिला को अनवांटेड हेयर की समस्या हो गई है, हिर्सुटिज्म की समस्या हो गई है, तो उसको इस मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जो इसकी डोज है वो एक एक गोली सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस मेडिसिन को किसी भी कंपनी की खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रैकवैक हो गया, एडल, एसबीएल, स्वावे, किसी भी कंपनी में आप इसको खरीद सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं अगली और लास्ट मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों, जो अगली मेडिसिन है REPL ड्रॉप 53, दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इफेक्टिव दवा है अनवांटेड हेयर को ठीक करने की। अगर किसी महिला में हिर्सुटिज्म या अनवांटेड हेयर की समस्या हो गई है, तो उसको इस मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसकी डोज के बारे में, तो दोस्तों जो इसकी डोज है वो 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, ये जो मेडिसिन थी, इन दोनों मेडिसिन को आपको साथ में लेना है। अगर आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल 4-6 महीने करेंगी, तभी आपकी जो समस्या है वह पूरी तरीके से ठीक हो पाएगी। अगर आप इन दोनों मेडिसिन को 1-2 महीने लेकर छोड़ देती हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको इन मेडिसिन का देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतने, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।